वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद में भाजपा निवर्तमान मीडिया प्रभारी डॉक्टर अखिलेश वर्मा और पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व राष्ट्रीय परिषद सदस्य द्वारा आरएसएस जनसंघ एवं बीजेपी के संस्थापक सदस्य पंडित जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धांजलि दी। दरअसल आज आरएसएस जनसंघ एवं बीजेपी के संस्थापक पंडित जगदीश प्रसाद उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर कोटला चुंगी स्थित चाणक्य फाउंडेशन कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा कर श्रद्धांजलि दी। सभी पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पण किए। वहीं निवर्तमान भाजपा मीडिया प्रभारी का कहना था कि आज जो आरएसएस और बीजेपी चल रही है वह इन्हीं की देन है। जब आरएसएस को बैन कर दिया था व जनसंघ की घोषणा हुई थी तब उन्होंने ही इन्हें चालू करवाया। इनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए और हम उनके चरित्र के बारे में जानना चाहिए। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। जी, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम किया गया आप बता। आज भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान और पूर्व जो भी पदाधिकारी हैं इनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय परिषद के जो है पूर्व सदस्य हमारे नवीन प्रकाश उपाध्याय जी के नेतृत्व में आज पंडित जगदीश प्रसाद उपाध्याय जो हमारे फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और आरएसएस के संस्थापक सदस्य हैं उनकी पुण्यतिथि आज मनाई गई है। और हम सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जिस तरह हमारे जगदीश उपाध्याय जी ने जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और हर व्यक्ति को लेकर चलने का एक संकल्प लिया था, आज हम पुनः सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि उनकी रास्ते पर चलें। और जो लोग आज इनके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, चाटुकार लोगों को जिन्होंने पाल रखा है, उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि इस तरह की कार्यशैली को बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित जैसे जगदीश प्रसाद बंसल जी ने जो है फिरोजाबाद में भारतीय जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी और एक जगदीश बंसल जी भी थे, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा काम हमारे फिरोजाबाद में किया था। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इनके नियमों पर चलें और सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के चलें। जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है एक नारा था ना कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का, हर बात का लाभ पहुंचना चाहिए, इसी तरह हमारे पंडित जगदीश प्रसाद उपाध्याय जी ने हमारे यहाँ रचना की है। हम उनको बार बार नमन और सत सत प्रणाम करते हैं।